Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babbi Rajput. So we were studying Why Do We Fall Ill chapter, and today we'll study about lecture 4 that will be based on principle of prevention of infectious disease and vaccination. So starting from the very first topic, that is principle of prevention of infectious disease. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे डिजीज है वो हमें ना हो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी, इसमें दो हमें चीजें पढ़नी है, हमें दो फैक्टर्स पढ़ने हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में कि किस तरीके से हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो नंबर वन फैक्टर इज जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज. दिस इज नंबर वन. ठीक है, दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? पहला तो जनरल वे, मतलब जनरल वेज कौन कौन से हो सकते हैं हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकें. तो इसमें आता है पब्लिक हाइजीन. पब्लिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या होता है? आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक रहे, स्टैग्नेंट वाटर ना रहे. स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी, जो चेंज ना होता है. स्टैग्नेंट का मतलब वो होता है. तो जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, पे मॉस्किटो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. एंड मॉस्किटो से काफ़ी सारी डिजीजेज हैं वो फैलेंगी, डेंगू मलेरिया हम बोल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें. राइट, तो पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कूड़ा कचरा है वो ना हो आसपास, आप फ्रेश एयर में रह रहे हो. ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसी जगहों पे रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है. राइट, ऐसी जगहों को अवॉइड करना, ओवर क्राउडेड एरियाज में नहीं रहना. जैसे चॉल्स वगैरह बहुत कंजस्टेड होते हैं, है ना, घर चिपके चिपके होते हैं, जगह कम होती है, एंड एक ही रूम में काफ़ी लोग रह रहे हैं. सो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है. सो पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन इज, इसमें क्या आ जाता है? जनरल वेज, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हम किसी इन्फेक्टियस डिजीज को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें. नंबर वन इज टू अवॉइड एक्सपोजर टू एयरबॉर्न माइक्रोब्स. एयरबॉर्न माइक्रोब्स कौन से होते हैं? ऐसे माइक्रोब्स जो एयर के थ्रू फैलते हैं. राइट, इसमें वायरसेस वगैरह आ जाते हैं आपके. राइट, सो ऐसे माइक्रोब्स जो एयर के थ्रू फैलते हैं उनको हम बोलते हैं एयरबॉर्न माइक्रोब्स. हम पढ़ चुके हैं. सो सबसे पहले हमें एयरबॉर्न माइक्रोब्स को अवॉइड करना है. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अडॉप्ट लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड. मतलब ऐसी जगहों पे रहना जो ओवरक्राउडेड ना हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना रह रहे हों. ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग हो घर के बीच में या रूम्स के बीच में, प्रॉपर स्पेसिंग हो. राइट, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे स्मोक ना हो, ठीक है, डस्ट वगैरह जहाँ पे ना हो, तो वहाँ से हम एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने से. सेकेंड इज टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू वाटरबॉर्न माइक्रोब्स. अब वाटरबॉर्न माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स वाटर के थ्रू फैलते हैं, वाटर एज अ मीडियम होता है वहाँ पे. एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड. मतलब आपको ड्रिंकिंग वाटर है वो, आप जो पानी पी रहे हो वो सेफ होना चाहिए. यू शुड बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग इट, या एक्वा गार्ड्स वगैरह होते हैं, आपको उसका पानी पीना चाहिए. राइट, पॉइंट नंबर सी इज टू अवॉइड वैक्टर बॉर्न इन्फेक्शन. वैक्टर बॉर्न इन्फेक्शन क्या होता है? ऐसे इन्फेक्शन जो वैक्टर्स के थ्रू फैलता है. वैक्टर्स क्या होते हैं? मॉस्क्यूटोज एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, मॉस्क्यूटो में हमारा फीमेल एनोफिलस हो गया, एंड डेंगू के केस में हमारा एडीज हो गया. वैक्टर्स क्या होते हैं? वैक्टर्स ऐसे मीडियम होते हैं जो इन्फेक्टेड बॉडी से नॉर्मल बॉडी, हम बोले हेल्दी बॉडी में डिजीज पहुंचाते हैं. जैसे कि मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलस हो गया जो मलेरिया कॉज करता है. तो फीमेल एनोफिलस क्या करता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी से ब्लड को सक किया, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया, बट मॉस्क्यूटो को कुछ नहीं होता, तो उनको हम वैक्टर बोल देते हैं. राइट, सो वैक्टर बॉर्न डिजीजेस लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट. आपको जो स्टैग्नेंट वाटर है मेनली, जो पानी आपके घर के आसपास वो रुका ना हो, ठहरा ना हो. ठीक है, आपको क्या करना है? उसको क्लीन करते रहना है, एंड एक पर्टिकुलर क्लीन एनवायरनमेंट में आपको रहना है. सो जनरल वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज तीन है, एंड आई होप आपको तीनों समझ में आए हैं. नाउ सेकेंड इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज. ये दूसरा तरीका है. Availability of proper and sufficient food to everyone, that is very important. इसके लिए government ने बहुत सारी schemes launch की हैं. जैसे कि गांव के बच्चे होते हैं वो mainly malnutrition के शिकार होते हैं. right? मतलब उनको proper food नहीं मिलता है. अगर आपको proper food नहीं मिलेगा तो proper nutrition भी नहीं मिलेगा, क्योंकि nutrition हमें food से मिलता है. right? food का मतलब ही nutrition होता है. food का मतलब ये नहीं होता पिज्ज़ा बर्गर. right?
सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड टू एवरीवन, जैसे मिड डे मील है, तो फूड शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन बिकॉज फूड में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन हर बॉडी को मिलना जरूरी है। अगर किसी की बॉडी न्यूट्रिएंट लैक कर रही है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट लैक कर रही है, तो उसको डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी बॉडी वीक हो जाएगी, उसका जो इम्यून सिस्टम है जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं वो वीक हो जाएगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई भी डिजीज आप पे अच्छे से अटैक कर सकती है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस देश की सेना जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उस पर अटैक उतने ही कम होंगे, जिसकी सेना ही अगर वीक होगी तो वहां पे तो कोई भी अटैक कर सकता है इजिली, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे सेना क्या है, WBCs हैं। WBCs को हम सोल्जर्स ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, ये इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम कंटेन्स अ लॉट ऑफ WBCs एंड WBCs आर द फाइटर ऑफ, हम कह सकते हैं फाइटर सेल्स होते हैं, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी, दे प्रोटेक्ट आर बॉडी, ओके। दिस विल मेक द इम्यून सिस्टम स्ट्रांग एंड हेल्प्स WBC टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। अगर आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वहां रहने वाले WBCs हैं वो भी क्या होंगे, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड कोई भी डिजीज अगर आपकी बॉडी को हो रहा है या कोई भी बैड माइक्रोब, ठीक है, जिसको हम पैथोजेंस बोलते हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे WBCs पहले से ही तैयार रहेंगे, दे आर द सोल्जर ऑफ आर बॉडी एंड दे विल प्रॉपरली फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज, राइट। सो ये हमारे दो तरीके थे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में, इसको अभी नोट डाउन कर लेना आप, इसके बाद हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ अबाउट वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हो सकता है आपके पूछ लिया जाए इस बार, क्योंकि यू नो कोरोना वायरस जब से फैला है तो उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा टॉपिक है वैक्सीनेशन, तो हो सकता है थोड़ा हॉट टॉपिक है तो पूछ लिया जाए, सो लिसन इट केयरफुली। सो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसको पहले समझते हैं। वैक्सीनेशन हम तब करते हैं जब कोई डिजीज बहुत ज़्यादा हद तक फैलती है, जैसे कि आप बात कर सकते हो कोरोना वायरस की, से कोरोना वायरस है वो हर किसी को अप्रॉक्स हो चुका है, ठीक है, काफ़ी हद तक फैला है एंड काफ़ी बुरा हाल भी हुआ था, हर कंट्री का बुरा हाल हुआ था। जब कोई डिजीज़ वाइड स्प्रेड होती है, काफ़ी लार्ज एरिया में फैलती है, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है वो चलाते हैं, ठीक है, उसमें हम वैक्सीन वगैरह लगाते हैं। अब वैक्सीन्स क्या होती हैं, तो उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेती हूँ, आप ये एग्जाम्पल नोट भी कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास एक वायरस है जिसका नाम है कोरोना वायरस, एंड जो डिजीज ये कॉज कर रहा है वायरस, दैट इज कोविड, ठीक है। एंड इसके लिए हमने क्या किया, कुछ वैक्सीन्स निकाली, जैसे कि इसमें आ गया कोवैक्सिन, सो वी हैव द 3 वैक्सीन, दैट इज कोवैक्सिन, ठीक है, कोवैक्सिन, स्पूतनिक एंड कोविशील्ड, जो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। अब हम क्या करते हैं, जब भी साइंटिस्ट वगैरह रिसर्चर्स वगैरह कोई भी वैक्सीन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, मान लो ये 3 में से मैंने एक वैक्सीन ले ली, मुझे कोवैक्सिन बनानी है, तो मैंने कोवैक्सिन बनाई। अब मैं क्या करूंगी, जब मैं ये वैक्सीन बना रही होंगी, ध्यान से सुनना, तब मैं इसमें क्या करूंगी, स्मॉल पोर्शन या स्मॉल पार्ट, ठीक है, स्मॉल पोर्शन या स्मॉल पार्ट ऑफ कोरोना वायरस इसमें मैं इंजेक्ट कर दूंगी। मतलब मैंने कोवैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन में क्या है, जो कोरोना वायरस है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, जो माइक्रोब डिजीज कॉज कर रहा है, उसके कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन है वो मैंने उस वैक्सीन में मिक्स कर दिया। हर वैक्सीन ऐसे ही बनती है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों किया, ऐसे तो डिजीज हो जाएगा पर्सन को, नहीं, हम कुछ पोर्शन ही लेते हैं, ऐसा नहीं हमने बहुत ज्यादा पोर्शन है वो डाल दिया, ठीक है, राइट। सो हम कुछ पोर्शन ही लेते हैं, कुछ पार्ट्स ही लेते हैं पर्टिकुलर माइक्रोब का, उस वैक्सीन में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो वैक्सीन किसी पर्सन की बॉडी में हमने इंजेक्ट किया, राइट, पर्सन की बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट करने से पहले हम रिसर्चेस करते हैं, माइस वगैरह पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि भाई ये वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। फिर मान लो पूरी टेस्ट होगी वैक्सीन, तो हमने किसी पर्सन की बॉडी में उसको इंजेक्ट किया। अब जब वो किसी पर्सन की बॉडी में जाएगी तो उसमें क्या था, कोरोना वायरस था, तो वो उसकी बॉडी में गई वैक्सीन, उसमें कोरोना वायरस माइक्रोब भी प्रेजेंट है, तो उस पर्सन की बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज रेस की उस वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए,
ठीक है, एंटीबॉडीज रेज की उस वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, इससे होगा क्या, इससे हमारी बॉडी में एक मेमोरी बन जाएगी। क्या मतलब है, देखो समझो, एक और एग्जांपल, एग्जांपल के अंदर एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई नया टीचर आया साइंस पढ़ाने के लिए, आपको मान लो पहले कोई और पढ़ाता था, आप कोई और पढ़ा रहा है। सो अभी आपको नहीं पता है कि वो टीचर है वो किस तरीके से पढ़ाएगा, राइट, या उसका टेस्ट लेने का तरीका कैसा है। हर टीचर का तरीका अलग होता है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होता है। मान लो उस टीचर ने एक टेस्ट रखा, ठीक है, एंड आपने उस टेस्ट को दिया और आपने उसको एनालाइज किया कि भाई ये टीचर है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, इस तरीके से, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, राइट। आपने एनालाइज किया और आपको समझ आ गया कि ये तरीका है इस टीचर का, राइट। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर से कोई टेस्ट दिया तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया क्योंकि आपने प्रीवियस टेस्ट से काफी कुछ सीखा, आपने एनालाइज किया। उसी तरीके से वायरस को हम क्यों किसी वैक्सीन में डालते हैं, ताकि जब हमारी बॉडी में वो जाए, राइट, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले तो एंटीबॉडीज रेज करेगी, क्योंकि है तो वो वायरस वाली वैक्सीन के साथ आ रहा है, लेकिन है तो वो बैड माइक्रोबी, है तो वो हम कह सकते हैं पैथोजनी, है तो वो वायरस ही है, तो वो हमारी बॉडी के लिए गलत ही, ठीक है। सो हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज रेज की अगेंस्ट दैट वायरस, राइट। अब कभी फ्यूचर में आपको सच में कोविड होता है या कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में पहली मेमोरी बिल्ट होगी कि भाई ये कोरोना वायरस ऐसा है, ऐसा दिखता है और ऐसे अटैक करता है। सो दे हैव प्री बिल्ट मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, दैट पर्टिकुलर वायरस। तो फ्यूचर में कभी आपको अटैक करता है वो वायरस, तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी रहेगी एंटीबॉडीज के साथ कि हाँ ये वायरस है, ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से अटैक करता है, अब मैं इसको अटैक अच्छे से कर सकता हूँ। इसी वजह से वैक्सीन्स में माइक्रोब्स का कुछ पोर्शन डाला जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको रिमेम्बर रख सके, ओके। इसीलिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो प्रॉपरली काम करेंगी, राइट। सो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन कंटेन्स सम पार्ट और स्मॉल पोर्शन ऑफ माइक्रोब्स दैट इज बीइंग इंजेक्टेड। कोई भी वैक्सीन बनती है, याद रखना कब बनेगी, जब डिजीज वाइड स्प्रेड हो रहा है, मतलब डिजीज हर एक पर्सन को होने की पॉसिबिलिटी है। सो इसमें हम कुछ पार्ट्स होते हैं माइक्रोब के, स्मॉल पोर्शन ऑफ माइक्रोब्स है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं। वंस वैक्सीन गेट इंजेक्टेड, बॉडी डेवलप मेमोरी सेल फॉर इट। अगर पर्सन की बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया तो उसकी बॉडी में क्या होगा, मेमोरी सेल डेवलप हो जाएंगी, उसको पता चल जाए कि डिजीज कैसा है, किस तरीके से अटैक करता है, राइट। नाउ इफ इन फ्यूचर माइक्रोब एंटर्स द बॉडी, देन आर बॉडी ऑलरेडी हैज प्री बिल्ट एंटीबॉडीज विच विल फाइट अगेंस्ट दीज डिजीजेस, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडीज, आपको शायद नया शब्द लग रहा है, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में। सो एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एंटीबॉडीज भी कंटेन करता है, इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम, बहुत ज़्यादा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखें, सारे न्यूट्रिशन प्रॉपरली लें, तो इम्यून सिस्टम में WBCs भी होते हैं, दैट इज द सोल्जर्स ऑफ द सेल, एंड एंटीबॉडीज भी होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज भी कंटेन करता है इम्यून सिस्टम। सो ये दोनों क्या करते हैं मिल करके, आप ऐसा मान लो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं, राइट। सो आर बॉडी हैज प्री बिल्ट एंटीबॉडीज विच विल फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज। हर एक डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, जैसे कोरोना वायरस है उसके लिए एक अलग एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, या आपको चिकन पॉक्स हो रखा है उसके लिए अलग एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, डिजीज को पहचानने का काम करती हैं, वो मेमोरी डेवलप करती हैं बॉडी में, एंड अगर आपको फ्यूचर में कभी वो डिजीज होता है तो हमारी बॉडी में प्री बिल्ट एंटीबॉडीज होती हैं जो उनको पहचान लेती हैं एंड हमें ज़्यादा अफेक्ट होने से या हमें डिजीज होने से बचाती हैं। सो वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है बोल सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट, आप इसमें एग्जाम्पल देके आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा। आप कोई एक वैक्सीन का नाम याद रख सकते हो या तीनों याद रखनी है तो आप रख सकते हो, कोवैक्सीन इज बेस्ट, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।